नमस्कार किसान साथियों, कापर का उपयोग पूरे विश्व में एक आदर्श फंगीसाइड के रूप में किया जाता है क्योंकि कापर का उपयोग हमारे जैविक खेती करने वाले किसान भाई भी कर सकते हैं, लेकिन कापर का उपयोग अलग अलग फॉर्म में होने से हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कापर का गलत तरीके से उपयोग करने से हमारी फसलों में फायदे करने के बजाय इससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कापर किन किन फॉर्म में आता है। पहला जो फॉर्म है उसका COC यानी कापर ऑक्साइड क्लोराइड, जिसको हम मार्केट में ब्लू कापर, ब्लाइटॉक्स, मेनकाप आदि बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में उपलब्ध हैं। दूसरा आता है कापर हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कोसाइड 2000 के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा आता है वह आता है कापर सल्फेट, जो UPL कंपनी का कोप्रोफिक्स और स्वाल कंपनी का डेओना के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखें और नए हैं तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कापर के तीन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अलग अलग फॉर्म में होने की वजह से इनके काम करने का तरीका भी अलग अलग है और अलग अलग डिशेज पे ये काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कापर ऑक्साइड क्लोराइड के बारे में। कापर ऑक्साइड क्लोराइड में कापर 50% आता है, यानी कि ब्लू कापर। और ब्लू कापर एक कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड यानी कि एक बार में कई प्रकार की फंगस को यह कंट्रोल करता है। कापर फंगीसाइड के साथ साथ में यह एक बैक्टीरिया नाशक भी हैं। दोस्तों, कापर ऑक्साइड क्लोराइड में कापर ऑक्सीजन के साथ में होने से यह बैक्टीरिया और फंगस के अंदर आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है और प्रोटीन निर्माण को रोक देता है, जिससे फंगस और बैक्टीरिया आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, COC का उपयोग करने से फसलों में कापर की कमी को भी दूर किया जा सकता है व फसलों की पत्तियों में मोटाई भी आती है। ब्लू कापर स्प्रे लगभग सभी फसलों में किया जा सकता है। यह फंगीसाइड लीफ स्पॉट, काली मस्सी, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, फ्रूट रॉट, ब्लास्ट, बैक्टीरिया डिसीज को बहुत बढ़िया कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आप ब्लू कापर को अपनी फसलों में उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ब्लू कापर एसिटिक होता है, इसलिए इसको फास्फेटिक वाले उत्पादों के साथ में आप बिल्कुल भी मिक्स ना करें। दोस्तों, जब भी कापर का आप उपयोग करते हैं तो इसका मूल गोल जो आप तैयार करते हैं उसका तैयार करते ही तत्काल आपको उससे स्प्रे कर देना चाहिए, उसको पड़ा नहीं रखना चाहिए। किसान साथियों, ब्लू कापर का आप कभी भी ओवरडोज ना करें क्योंकि इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। अगर फ्लावरिंग स्टेज पे ब्लू कापर का आप उपयोग करते हैं तो आप इसको अंडरडोज ही रखें। दोस्तों, बात करते हैं कापर हाइड्रोक्लोराइड यानी कोसाइट 2000 के बारे में। कोसाइट 2000 में कापर हाइड्रोक्लोराइड 53.8% आता है और उसमें कापर की शुद्ध मात्रा रहती है 35% WW फॉर्म में यह आता है। कोसाइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट फंगीसाइड यानी अपने संपर्कीय क्रिया से ज़्यादा फंगस को यह आसानी से कंट्रोल करता है। कोसाइड में कापर हाइड्रोजन के साथ होने से कापर धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे लंबे समय तक नियंत्रण मिलता है। दोस्तों, COC की तुलना में कोसाइट 2000 ज़्यादा तरह की फंगस को कंट्रोल करता है। COC की तुलना में कोसाइट का अगर ओवरडोज भी हो जाता है तो इससे नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। किसान साथियों, कोसाइट लगभग सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है। कोसाइड स्प्रे करने से यह पत्तों पर ज़्यादा सरफेस को कवर करता है, जिससे ज़्यादा हमें रोगों पर नियंत्रण मिलता है। कोसाइड चावल में कल सिस्टम और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, अंगूर में डाउनी मिडल्यू यानी काली मस्सी, मिर्च में एंथ्राक्नोज, आलू में लेड ब्लाइट को लंबा समय तक कंट्रोल करता है, जिसका डोज हमें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में रखना जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं कोसाइट के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। कोसाइट 2000 अपने क्यूरेटिव और मल्टीसाइट एक्शन की वजह से यह बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण को बंद कर देता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं कापर के अगले फॉर्म के बारे में। अगला फॉर्म होता है कापर सल्फेट। यह UPL कंपनी का कोप्रोफिक्स व स्वाल कंपनी का डिवोना के नाम से आता है। कोप्रोफिक्स में कापर सल्फेट 47.15% और मेंकोजेब
30% WG फॉर्मुलेशन में होने से आसानी से पानी में घुल जाता है। किसान भाइयों, कोप्रोफिक्स की तुलना हम अगर ब्लू कॉपर से करते हैं तो ब्लू कॉपर अगर हम किसी भी अन्य फंगीसाइड के साथ में मिक्स करते हैं, अगर पानी का पीएच ज़्यादा होता है तो उससे फसल की पत्तियां झुलस सकती हैं, फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन कोप्रोफिक्स में ऐसा नहीं होता है, यह पानी का अगर पीएच कम या ज़्यादा भी होता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट हमारी फसल में नहीं होता है। दोस्तों, कोप्रोफिक्स के बीमारी के बारे में बात करते हैं तो यह डाउनी मिडल्यू यानी काली मस्सी और लेट ब्लाइट को विशेषकर यह कंट्रोल करता है, साथ ही यह बैक्टीरिया व अन्य फंगस को भी कंट्रोल करता है। किसान साथियों, कोप्रोफिक्स और डिओना के अगर हम डोज की बात करें तो इसका भी डोज 3 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से रखना है। दोस्तों, कॉपर के इन तीनों अलग अलग फॉर्म के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, लेकिन इन तीनों में से आपको कौन सा और कब कब इसका उपयोग करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी फसल में सभी प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया डिसीज हैं और अगर आपके पानी का पीएच संतुलित है, मतलब पीएच सही है, तो आपको COC यानी ब्लू कॉपर का उपयोग करना है। और दोस्तों, अगर बरसात का मौसम है और आप बैक्टीरियल ब्लाइट और फंगस का अटैक है तो बरसात के मौसम में अगर आप उपयोग करते हैं तो कोसाइट 2000 का आप उपयोग कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा बजाय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लाइटैक्स के तुलना में। और दोस्तों, बात करते हैं आप कोप्रोफिक्स के बारे में, कोप्रोफिक्स आपको कब उपयोग करना चाहिए। अगर आपके पानी का पीएच कम ज़्यादा है तो आप कोप्रोफिक्स का उपयोग कीजिएगा, आप यह किसी भी मौसम में इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बैक्टीरियल ब्लाइट के साथ साथ में अगर आपकी फसल में डाउनी यानी काली मस्सी अगर आपको ज़्यादा दिखते हैं तो आप UPL का कोप्रोफिक्स और स्वाल कंपनी का डिओना ही उपयोग करें, ताकि आपकी फसल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, और कॉपर के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।